दे दिया हवा, चल रो जोड़ जोड़ से ऐसे रो ना, ठीक है। हेलो गाइस, मैं हूँ काजल नेगी, स्वागत है आप सभी का काजल के ब्लॉग्स में। सो बिस्किट के साथ एक मॉर्निंग की शुरुआत कर लेते हैं। सो फिलहाल आजकल घर में काफी मेहमानों का आना जाना हो रहा है, तो इसी सिलसिले में जो है कि हमारी दिल्ली से मामी भी आई है, तो आज वो जा रहे हैं दिल्ली, तो उन्हें छोड़ने चलते हैं पहले ऊपर तक बिस्किट के साथ। तो व्लॉग बना रही है। हेलो तो चलिए दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं रोड पर और यहां पर हम बस या टैक्सी का, जिसका भी जो भी मिलेगी उसका इंतजार कर रहे हैं, जो ऋषिकेश हरिद्वार तक छोड़ देगी इन लोगों को। और यहाँ पर अभी जो है कि मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और सामने पर बड़ा सा ट्रक भी है जिस पर इतनी सारी सब्जियाँ भर रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर तो गाड़ी नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे सारे लोग अपना अपना काम भी कर रहे हैं सुबह के टाइम पे। अस्सी 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 ज्यादा पड़ेगा। ऐसे करो ना, उनको अंदर से लगाएंगे ना वो। चलिए दोस्तों, भैया लोग तो जा चुके हैं, रास्ते में क्यूटी डॉग मिला। हेलो हेलो, बाय बाय। ए नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे आ गया रे, इसको ऊपर ले आओ। तो चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे सूरज देव की एंट्री भी होने लग गई है लाल किरणों के साथ। और कल सपने में ना मेरे ना हमारा एक डॉगी टुन्नू आ रखा था और एक दूसरा डॉगी और एक बिल्ली थी, तीन आपस में लड़ रहे थे और देखिए सुबह सुबह मुझे बिल्ली के दर्शन भी हो गए। आ गई बंदर फिर, ये देखिए भाई सुबह सुबह बंदर, बंदर का आतंक। मारो मारो, नहीं लगा निशाना, गुले लानी पड़ेगी। इस ना इस ये टहनी में इतने सारे वो के ना पत्ते, इसके कारण और भी नहीं दिख रहे ना वो कहाँ पे झुबरे के, वो छोटा सा बच्चा। तो दोस्तों देखिए सामने पे बड़ा सूरज देव है और देखिए जूम करते करते छोटे हो रहे हैं, आउट जूम करके बड़े। और यहाँ पे देखिए बंदर इतने सारे आ चुके हैं, यहाँ पे मतलब चिड़ियों के लिए दाना रखा था, ये उसको भी नहीं छोड़ रहे, क्या बोले इनको। देखिए दूसरा भी आ गया, ये देखिए भाग गए रे खा के। जाओ जाओ पापा, गैस करो मेरे मुट्ठी में क्या होगा, मेरे मुट्ठी में क्या होगा, कुछ नहीं है, कुछ है अगर बोलो तो सारी तुम्हारी। क्या होगा पक्का? इसको मतलब देख दिया, सच में टॉफी है, एक टॉफी निकालो। नहीं खा रहे, ठीक है तुक्के में, हाँ असली में टॉफी थी। ये कंबल कहाँ से ला रखे दोस्तों? फूलों में ना हमारे घर में ये वाला पेड़ मेरा सबसे फेवरेट था, एक बार हमने इसे काट दिया था तो ये फिर से होने लग गया है। इस पे ना ऐसे कलर के फूल होते हैं, ये लाल रंग के, मुझे बहुत पसंद है ये और बहुत ज़्यादा होते भी हैं ये। ये फिर हमने काटा था तो ये फिर से होने लग गया है, चलो अच्छा है, फिर से बड़ा होगा, फिर से ऐसे रंग के हमें फूल देगा। और यहाँ पर ना सामने पे एक बड़ा सा मैंगो ट्री है हमारा, और आजकल बंदर इस पे चढ़ के इतना उछल कूद कर रहे हैं कि सारे नीचे देखे उन्होंने पत्ते झाड़ झाड़ के, फिर ये पत्ते सूख रहे हैं, फिर यहाँ पे ये घास जैसा हो जा रहा है। परसों तो हमने यहाँ पे सफाई की थी, देखो इतने सारे पत्ते इन्होंने नीचे फिर से झाड़ दिए और वो सूख भी गए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ अंदर आने के बाद यहाँ पर एक मिठाई का डिब्बा मुझे नज़र आया जो कि मामी लाई थी, तो एक वाइट रसगुल्ले बहुत प्यारे लग रहे हैं, अरे छोटे छोटे, तो एक खाते हैं, इनका आनंद लेते हैं खाते खाते।
तो चलिए दोस्तों, अभी दिन के बज चुके हैं 11:30 और मैं आ रही हूँ किसी काम से भी और साथ में दूध लेने के लिए भी। तब तक यहाँ नीचे पर देखा बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तब जाके पता चला कि एक बंदूक जैसी मिल रही है, मतलब बंदूक जैसी भी क्या ही बोले उसे, एक बड़ा सा तोप टाइप का, मतलब एक आ रखा है 200 या 300 रुपये का बिक रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ उसी चीज़ के लिए इकट्ठा हो रही है, लोग ले रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि गांव में या कहीं पे भी बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लंगूर बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो मुझे भी इसकी आवश्यकता थी, लेकिन 200-300 का बेच रहा है यार, मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ अकेले, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी दिखाती हूँ मैं आपको कैसे टाइप का है वो। यहाँ पे एक भैया ने भी ले रखा, तो इस प्रकार का है वो, इसमें पानी बारूद पता नहीं क्या ढाल रहे हो गोली टाइप की, और उससे विस्फोट हो रहा है बहुत ज़ोर से, मतलब ये शादी ब्याह में भी काम आ सकता है। और टोप टाइप का है ये, बड़ा सी आवाज़ आ रही है इसमें, जिसको सुन के बंदर वगैरह भाग रहे हैं, कोई पक्षी भी भाग जाएगा, बल्कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन देखते हैं कब तक टिक सकता है जो लोग ले रहे हैं, क्या ही बोले। कहाँ जा रही तू? वहाँ पे एक पटाखा फोड़ने वाला आ रखा है, जा खरीद, तेरी शादी में काम आएगा कसम से। कॉलेज जा रही हूँ। बहुत बड़ा है, तुम क्या करते हो? बीकॉम। अच्छा, तो बीकॉम वाली कौन सा ईयर है? फाइनल। इसके बाद शादी। अरे मैं कह रही हूँ आप एक बहुत, मतलब बंदर भगाने वाला बहुत बड़ा बॉम्ब मार का तेरी शादी में। इसका बड़ा क्या चाहिए तुमको? चलो ठीक है, बाय बाय। तो दोस्तों दिन दोपहर का टाइम है, तो आप यहाँ पर कितने प्यारे फूल आ रखे भाई शॉप पे, गमले के साथ साथ। मेरा ना वो फोड़ा काम ही नहीं कर रहा यार, बैंडेज दे। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:30 और आजकल मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना शाम के टाइम पे, क्या ही बोलें। 2-3 बजे के बाद तो मौसम ऐसे करवट बदल रहा है, और यहाँ पे देखिए इतनी तेज़ हवा आई है, तकत भी गिर गए रास्ते के। तो चलो इनको ठीक करते हैं, एक ये रहा। कभी बंदर बिल्ली भी गिरा देते हैं, इसको लगाना पड़ता ना, गाय वगैरह भी काफ़ी आते हैं इसलिए। तो चलो इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों कुछ घंटों के बाद जो है कि मौसम साफ़ हो चुका था, तो मैं और मेरी दोस्त जो है कि टहलने आ गए थे। ये सामने पे वही खेत है दोस्तों जो आप मेरे ब्लॉग में देखते थे, हरी हरी फसलें, पीली पीली फसलों के साथ लहराते हुए गेहूं की फसल लोगों ने सारी की सारी काट दी है, और यहाँ पे खुला खुला मैदान जैसे लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर फिर से कुछ फसल बोएंगे ये। तो फिलहाल दोस्तों लोगों ने जो है कि अपने खेतों में साइड से ये गोबर वगैरह ढाल रखे हैं यहाँ पे। आजकल जो है कि ना शाम के टाइम पे या थोड़ी घंटे पहले मौसम ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश आ रही है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से काफ़ी ठंडा भी बन रहा है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर जो है कि रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे बैठ रखे हैं, और मेरा गला ना काफी सूख रहा है। ये ऐसे क्या बैठ रखे यहाँ पे, बांध देना तेरे को, दे दिया वा। चल रो जोड़ जोड़ से बैठे ऐसे रो ना, ठीक है, प्रैक्टिस कर अभी से। दोस्तों यहाँ पे ना जो है कि हम सीधा रोड के ऊपर ही बैठ रखे हैं, ये वाली सड़क, एक ये है एक है नीचे, यहाँ से आप जाएंगे आजकल यात्रा सीजन के टाइम, जो लोग आएंगे सीधा बद्रीनाथ वाली रोड पे, यहाँ से कहाँ जाएंगे अब बताना, कि यहाँ से कहाँ जाएंगे, जाएंगे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप बाहर में कितना खतरनाक मौसम हो रखा है भाई, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, बारिश भी आ रही है, हवा भी आ रही है, आजकल ऐसे ही हो रहा है मौसम। देखिए बारिश लगने लग गई, स्टार्ट होने लग गई है, और चलो अच्छा ही है यार, थोड़ा बहुत ठंडा भी बना रहेगा इस वजह से, और बारिश तो मुझे भी पसंद है लेकिन कंटिन्यू बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, तो करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।